नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले द हिंदू एडिटोरियल 29 मई 2020। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। इस वीडियो लेक्चर में आज हम दो महत्वपूर्ण द हिंदू के एडिटोरियल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जो पहला है, जो अभी तूफान चल रहा है ट्रंप वर्सेस ट्विटर, इसके बारे में, और दूसरा जो है निर्यात ब्लॉक महामारी के बीच भारत का जो व्यापार है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो ट्रंप वर्सेस ट्विटर का जो युद्ध चल रहा है, यानी तूफान, मतलब उनके बीच जो घुमासान चल रही है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ट्विटर ने ट्रंप को बाहर करने के लिए अच्छा किया, लेकिन नकली समाचार अपने आप में एक परिस्थिति की तंत्र है। जैसे ही राजनीतिक विमर्शनाएं है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामाजिक औसत दर्ज के प्लेटफॉर्म के खिलाफ छेड़छाड़ एक वर्ग अलग है। तथ्यात्मक रूप से गलत होने का कारण ट्विटर ने अपने दो पदों को हरी झंडी दिखा दी है। राष्ट्रपति ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दृढ़ता से विनिमयता या बंद करने की धमकी दी है। उनके अधिकांश बयानों में इस तरह है कि यह भी ट्विटर पर दिखाया जहां उन्होंने 80.4 मिलियन अनुयायी है, उनके फॉलोअर्स जो है 80.4 है। तो उन्होंने सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसको दृढ़ता से विनिमयत या बंद करने की धमकी भी दी है। यानी ट्विटर का जो अभी चल रहा है, अमेरिकी के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप और ट्विटर के बीच जो घुमासान चल रहे उसके बीच ट्विटर बंद भी हो सकता है, यानी अमेरिका में, बाकी तो चालू रहेगा ही। 2015 में श्री ट्रंप ने रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की दौड़ में प्रवेश किया था, तो आलोचकों ने उन्हें मंच पर अपनी तीखी मुद्रा के लिए एक ट्विटर हैंडल से असंगत बताया था। लेकिन आक्रोश डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर पुरस्कृत हुए, जैसे कि वह साबित करने के लिए चला गया। ट्विटर भी इस प्रक्रिया में लाभार्थी था। दुनिया भर में राजनीति के लिए सोशल मीडिया के चालक उपयोग ने इन विकेंद्रीकृत और अनियमित प्लेटफॉर्मों में चमक से दूर किया, जिन्हें शुरू में विलुप्त रूप से लोकतांत्रिक के रूप में देखा गया था। दोस्तों, जो 2015 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति के लिए नामांकन किया था, वो प्रवेश किया था, तभी ही उनके बारे में आलोचना उन्होंने मंच पर तीखी मुद्रा के लिए ट्विटर हैंडल से असंगत बताया था। लेकिन जो ये रहता है, मीडिया रहता है, उन्होंने साबित किया कि बड़े पैमाने पर वो प्लेटफॉर्म जो है पुरस्कृत, आक्रोश डिजिटल पुरस्कृत है। नरसंहारों और चुनावी धंधली में उनकी भूमिका सहित त्वरित उत्तराधिकारी में विवाद छेड़ गया। झूठ फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग जो अक्सर हिंसा को उकसाता है, विशेष रूप से मुश्किल सवाल है कि इन प्लेटफॉर्मों ने अक्सर नकली समाचारों को रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की है, लेकिन सामग्री विनिमय को लागू करने का कोई भी प्रयास अतिरिक्त जटिलताओं के साथ आता है, क्योंकि ट्विटर का प्रयास राष्ट्रपति के तथ्यों को जांचने परखने का है। सभी राजनीतिक चर्चाओं को सुनिश्चित करने की मंशा तथ्यहीन है और भड़काऊ बयानबाजी का आलोक प्रशंसनीय है, लेकिन कोई भी निकाय इसमें प्रवर्तक नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच मौजूदा संघर्ष केवल बड़ी टेक कंपनियों के प्रकृति पर अमेरिका में चल रही है व्यापक बहस का एक घटक है। गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों ने गोपनीयता, डेटा दुरुपयोग, राजनीतिक पूर्वग्रह, एकाधिकार व्यवहार, कर से बचाव और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को जन्म दिया है। अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच एक ऐसा साझा आधार है कि इन तकनीकी कंपनियों को फिर से चमकने की जरूरत है। रिपब्लिकन का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रूढ़िवादी विरोधी है। डेमोक्रेट्स का मानना है कि इनमें कुछ मंच राष्ट्र के दुश्मनों द्वारा आसानी से हेरफेर किए जाते हैं और उन पर अनुचित व्यापार और श्रम प्रथाओं का आरोप भी लगाया जाता है और उन्हें तोड़ने का आह्वान करते हैं। तो डिजिटल मुद्रा
तुला को लॉन्च करने के लिए फेसबुक प्रयासों ने राष्ट्रों के बीच संप्रभुता संबंधित चिंताओं को जन्म दिया है। कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद में डेटा के दुरुपयोग की जांच निपटाने के लिए उसे $5 अरब का जुर्माना भरना पड़ा था। ये कंपनियां वैश्विक होने और सरकार की नज़रों से ऊपर उड़ने में सक्षम है। उस व्यवस्था के कुछ पुनरावृत्ति क्षितिज पर प्रतीत होता है। अगर दुनिया में सबसे ताकतवर नेता है नेता को गैरजिम्मेदार बनाए तो खारिज करने का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक प्रयास है तो यह अफसोस की बात होगी। दोस्तों, जो ट्विटर यानी सोशल मीडिया अभी जो वार चल रहा है, एखादा अगर जो नेता जो है वो गैरजिम्मेदार नेता अगर लोगों ने ठहराया है उसे, तो उसे मीडिया प्लेटफॉर्म एक ही प्रयास है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खारिज करने के लिए। यह अफसोस की बात हो सकती है और है भी, तो आप इसके बारे में विचार करें। दूसरा और अहम महत्वपूर्ण जो एडिटोरियल है, जो महामारी के बीच भारत के व्यापार पर निर्यात ब्लॉक जो चालू है उसके बारे में। भारत को प्रोत्साहन पैकेजों के पीछे विश्व व्यापार में वृद्धि को याद नहीं करना चाहिए। अप्रैल के लिए आधिकारिक व्यापार डेटा एक महामारी से प्रेरित लॉकडाउन के संकट में अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए वित्त मंत्रालय के 5 ट्रेंच पैकेज के मध्य बिंदु पर जारी किया गया था, जो 2 दशकों में सबसे कठिन था। मर्चेंडाइज निर्यात 60% से अधिक गिर गया था और आयात केवल थोड़ा ही कम हुआ है। दोस्तों, अभी जो कोरोना वायरस का जो ये चल रहा है, महामारी का जो चल रहा है, उसके बारे में जो अपना व्यापार है उसके बीच भी निर्यात में ब्लॉक से वो खड़े हुए हैं और आयात जो है थोड़ी कम हुई है, मगर निर्यात जो है वो अभी ब्लॉक चालू है। भारत के 30 बड़े निर्यात उत्पादकों से केवल 2 सकारात्मक वृद्धि देखी। लोह आयस्क और फार्मास्यूटिकल्स जो केवल 1/4% है। तेल की वैश्विक कीमतों की तेजी में गिरावट के बदौलत पेट्रोलियम निर्यात की अधिक मात्रा से मूल्य के संदर्भ में ज़्यादा मदद नहीं मिली। व्यापार पतन आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि दुनिया भर में राष्ट्रीय लॉकडाउन की स्थिति ने केवल मांग और निवेश को रोक दिया है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और शिपिंग मार्गों को भी बाधित किया है। हालांकि भारत का निर्णय पहले से ही एक गिरावट में था, समग्रता में सरकार के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज ने कई सुधार प्रतिबद्धताओं की पेशकश की। व्यापार करने की आसानी में सुधार और कुछ लघु और मध्यम उद्यमों जिनमें से कोई निर्यात उन्मुख इकाई भी है कुछ के लिए ऐसे कुछ है। हालांकि निर्यातकों के लिए कोई स्पष्ट राहत की पेशकश नहीं की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 मई को कुछ उपायों का अनावरण किया है, जिसमें एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के लिए 15,000 करोड़ रुपए की तरलता की सुविधा, आयातकों के लिए 6 महीने का विस्तार किया गया है। निर्यातकों के लिए 31 जुलाई 2020 तक किए गए संवितरण के लिए बैंकों से अधिकतम स्वीकार्य क्रेडिट अवधि 12 महीने से बढ़ाकर 15 महीने कर दिया है। निर्यातकों के लिए 3 महीने का क्रेडिट विस्तार वास्तव में एक नया उपाय नहीं था और 23 मार्च को केंद्रीय बैंक द्वारा पहले ही घोषित कर दिया गया था। इसलिए 2 महीने बाद एक नया कदम के रूप में नीति निर्माताओं ने देश की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को प्रमुख रोजगार पैदा करने वाले बल्ब को तैयार करने के लिए विचारों की कमी चल रही है। वस्त्र परिधान निर्यात पैसे रोजगार गहन क्षेत्र में जो जनवरी और मार्च के बीच 16% गिर गया था वो अप्रैल में 91% गिर गया है। मई के लिए परिणामी किसी भी बेहतर होने की संभावना नहीं है और विश्व व्यापार संगठन को उम्मीद है कि 2020 तक व्यापार प्रवाह 13% से 32% के बीच फिसल जाएगा। 19 से अधिक देशों द्वारा लगाए गए चिकित्सक और खाद्य आपूर्ति में व्यापार में नए अवरोधों को जोड़ता है और आवश्यक आपूर्ति के लिए आवक देखने के लिए एक बढ़ती प्रवृत्ति जैसे भारत की आत्मनिर्भर पर जोर दे रहा है के कारण प्रेगनेंसी और गंभीर हो जा सकती है। तो देश फिर बड़े वैश्विक व्यवसाय के लिए एक वैकल्पिक निवेश गंतव्य बनाने की उम्मीद तैयार कर रहा है। कोविड-19 महामारी उन्हें अपनी चीन निर्भर आपूर्ति श्रृंखला को
हेज करने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन निवेश की चाल एक दीर्घकालीन खेल है। इस बीच भारतीय निर्यातकों को अन्य देशों द्वारा घोषित बड़े प्रोत्साहन पैकेज के रूप में पीछे के ही और नहीं पकड़ना जाना चाहिए। मांग को पुनर्जीवित करने के और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामूली प्रोत्साहन देने के लिए क्लिक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें।